हरियाणा के जागरूक मतदाताओं से मेरी अपील है कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व वोट का है और अपना वोट डालकर बदलाव के लिए एक नया आगाज करें। बदलाव ज़मीन पर लिखा है, आसमान पर लिखा है, दीवार पर लिखा है और हरियाणा के लोगों के चेहरे पर लिखा है। एक ऐसा बदलाव जिसमें नौजवानों के लिए नई जगह और रास्ता बने, एक ऐसा बदलाव जिसमें दलितों और पिछड़ों पर कोई अत्याचार ना कर सके, एक ऐसा बदलाव जहां किसान सर उठाकर आत्म सम्मान से जी सके, एक ऐसा बदलाव जहां व्यापारी और उद्योगपति बेखौफ हरियाणा की तरक्की में हिस्सेदार बन सके, एक ऐसा बदलाव जहां कोई भी जवानों को कच्ची फौज की नौकरी पर ना रखे और पहलवान बेटियों को बाल से पकड़कर सड़कों पर ना घसीटे, जहां बराबरी का दर्जा हो, जहां सरकार की जात नहीं काम की पहचान हो, काम ही सबसे बड़ी पहचान बन जाए, एक ऐसे बदलाव की हरियाणा को ज़रूरत है। वोटर कॉपी, यही मेरी अपील है सर। पूरे हरियाणा में अगर बात करें, फेक आईडीज बनाकर अलग अलग कैंडिडेट्स की और भाजपा को वोट करने की अपील की जा रही है, जिसमें इनेलो के अकाउंट से स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये बचकाना बेवकूफियाँ हैं, इनसे कुछ होता नहीं। वो आप क्या हरियाणा के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? हम साधारण हो सकते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। खट्टर साहब ने ज़रूर हमारे बारे में कहा कि कंधे से ऊपर हम कमज़ोर हैं। वो बीजेपी की सोच हो सकती है, किसी और दल की सोच हो सकती है, पर ये जान लीजिए हरियाणा से ज़्यादा बुद्धिमान प्रांत शायद ही हिंदुस्तान में कोई है। हम देश का पेट भी पालते हैं अन्न पैदा करके, हम छोटा छोटा व्यापार चलाकर देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी भी देते हैं, पर उसके साथ साथ सबसे अच्छा आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, उसकी डेवलपमेंट भी हरियाणा में सर, ही है। जो आईटी अकाउंट है वो आदित्य देवीलाल का बताया गया है। मैंने जैसा कहा, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, वो किसी का भी हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।